क्या बताओ, दिमाग इन लोगों ने खराब कर, डब्बा लेके जा रहे हैं, बढ़िया छपकी लेके दवाई करे, ये बैठे अगले बोले खेते में तिमुरु खबर। आपके खेत में ऐसा कोई कर रहा है तो कुछ बताइएगा। सुबह उठा, नहा धो लिया, जैसे तैयार हो गया, इच्छा हुई कि चलो खेत में चलते हैं। आज खेत का पाँच से सातवां दिन है, चले खेत को देखने कि आखिर में क्या हो रहा है। बहुत उत्सुकता, पहली बार खेती कर रहा हूँ तो उत्सुकता है कि आखिर में हमारा बीज जल्दी से बो जाए, क्योंकि पास में जो खेत, उधर हमारे खेत के बगल में जो 3-4 खेत हैं उनका अंकुरण हो गया है। बहुत बेकार लग रहा है, जैसे लग रहा है बरसात होगी। वैसे मौसम ने बताया था कि बरसात 1 से 2 तारीख होगी, अरे तो शायद बरसात हो जाए। आज फिर आगे हम खेत में देखने, खेत हमारा हुआ, हमारा खेत आपका खेत, हमारी खेती आपकी खेती, खेत में क्या क्या करना चाहिए सब लोग आप कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे पता नहीं है खेती कैसी की जाती है। तो आ गए अपने खेत में और थोड़ी थोड़ी मौसम इतना ख़राब है, धीरे धीरे लग रहा है। ये क्या है, ये आप देखोगे, ये सरसों है, धीरे धीरे इसमें कुछ बरसीम भी बोया गया है। और ये वाला खेत पास बाद में बोया गया है, मेरा खेत वो वाला है, इस खेत में नमी ज़्यादा थी इसलिए बाद में बोया गया। हमारा खेत 2-3 दिन पहले, वो 2-3 तीनों जो खेत था, 1-2-3-4 खेत, वो सब पहले बोया गया था, और हमारा 3-4 खेत इधर में बाद में गया था। चलिए देखते हैं। अरे बाप रे, क्या बताओ, दिमाग में उन्होंने ख़राब कर दिया। देखो ये, देखो यहाँ पे, देखो लाइटिंग किए हैं, देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ लाइटिंग किए हैं, और वहाँ देखो, वहाँ पे खेत में देखिए अभी सब करके गए हैं। क्या बताऊँ, 1-2-3 देखो यहाँ पे, यहाँ पे 4, यहाँ वो दिखाते हैं, ये देखो यहाँ पे, यहाँ पे ये, क्या बताएं लोगों को, ये सब क्या कर रहे हैं, दिमाग उन्होंने ख़राब कर दिया खेत में आकर के। लोटा लेके बाल्टी लेके आप बैठ जाए, देखिए वहाँ एक वहाँ पे है, वहाँ देखिए वहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ देखिए वो भी वही करके आ रहे हैं, देखिए जा रहे हैं, तो लोटा लेके ना, क्या किया जाएगा, आना पड़ेगा रखाने भाई, अपना अध्ययन तो खाएंगे ही। ये डब्बा लेके जा रहे हैं, आज हम आ गए हैं तो उनका नहीं चलेगा, लेकिन अगर नहीं आते तो इस रास्ते, ये देखिए इस रास्ते अभी यहाँ से यहाँ आ जाते, आ गए हैं तो बेचारे जा रहे हैं, देख लीजिए इस तरह से यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, क्या किया जाए, दुखी हैं। अब क्या बता सकते हैं भैया, देख लो हमारे खेत की भी हालत ख़राब है, उसमें भी अरे मतलब दिमाग तो होना चाहिए कि आखिर में खेत में हम लोग बो दिए हैं, ऐसा नहीं खेत जोत दिया छोड़ दिया, जोत दिया बो दिया, नहीं बोए नहीं ये जोत दिए केवल, तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन उसमें खाद बीज सब पड़ गया है, कैसा लग रहा है बताओ, क्या किया जाएगा, कैसा लगेगा भैया, इन सबको क्या करें, अब क्या कर सकते, कोई उपचार, उपचार बताओ, कोई दवा बताओ। अब यही उपचार है कि जब देखें उनको और पकड़े और बढ़िया छपकी लेके दवाई करे, और क्या है, अब गाली देना तो आता नहीं है, गाली देकर भी क्या करेंगे भैया, किसको यहाँ पे देख रहे हो अभी जो गाली दे सकेंगे अपन, नहीं ना, नहीं क्या करना चाहिए बताओ, जब देखो पकड़ो पीटो यही इनका, यहाँ पे विदेश के लोग आएंगे, नहीं गाँव पास ही में गाँव है, खेत है सब, हाँ यही सब है, तो कौन आएगा आखिर में, गांव के, अरे वो खेत है, उधर खेत है, उधर खेत है, बहुत सारा खेत है आसी पास, और जगह भी ऐसा भी नहीं, मैदान भी है, जगह भी है, उसके बाद भी बैठेंगे तो जोते हुए खेत में मजा आ जाता है, जब खेत के मालिक आप होंगे तब समझ में आएगा, जो लोग बैठते हैं खेत में, कि हाँ खेत में बैठा जाता है, कहाँ बैठा जाता है, अरे झुनमुनवा चाहे पछलहरवा के, जब भी मन करे यही बैठी जगह बा, अरे पूरा जिसे जात बाटा वो जगह बा, पूरा पूरा उधर नदिया किनारे पूरा जगह ये है, अब झुनमुनार बैठे मतलब थोड़ी ना झुनमुनार रहते ही बैठे, बैठे अगले बोले खेते में तिमुरु खबर है, अगर विदेश के आदमी तो आवत ना बटा, कि हाँ विदेश के आदमी आई हैं, जब बहुत कहा जी बोले खेते में हगा मुँह ते मुरु खबर बहुत आखिर वह अंजा खा जाते बने, आखिर वो पूर्णा महारानी जी हो कि आखिर में वह जामी वह खाई, फिर दिमाग इतना तो लगा ही चाहिए, वह बतिया का क्या बताया दोस्तों, आज तो दिमाग ही खराब हो गया, आज मैं खेत में आया बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा,
यही सब होता है। खेत जब नहीं बो रहे थे, अधिया पे दिए हुए थे, तो जो पासी में था उन्हीं को दिया था, वो पता नहीं क्या करते क्या नहीं करते, इतना तो था रखाते थे या नहीं थे कोई भी नहीं, लेकिन जब तैयार होता तो अन्न मुझे मिलता था। और आज एक खेत में आकर के ये मुझे देखने को मिला, क्या बताऊँ, दिमाग पूरा ख़राब हो गया। जितने लोगों के पास शौचालय नहीं है और जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं खेत के पास, उन लोगों से विनम्र निवेदन है, आग्रह है कि जोते हुए बोए हुए खेत में शौचालय ना जाएं। ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी काम है, बहुत ही शर्मिंदा करने वाला बात है। यहाँ नहीं, सब जगह पे ऐसा हो रहा है। जब ऐसा हमारे यहाँ हो रहा तो ऐसा सब जगह हो रहा होगा ना, रखाना पड़ेगा। आपका धन है तो आपको रखना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ लोगों को सावधानियाँ ज़रूर होनी चाहिए कि अगर किसी ने खेत बोया है तो उसका भी हम इज्जत करें, उस खेत की इज्जत करें, क्योंकि बोए हुए खेत में हम बीज डाले हैं, खाद डाले हैं, वहाँ पर आप जाकर टॉयलेट कर देंगे तो क्या होगा, गंदा ही ना होगा। अभी देखिए पीछे वो डब्बा लेके जा रहे हैं, देखिए वो, देखिए वहाँ पे वो भी वही करने जा रहे हैं, क्या किया जाए, गांव वालों को कैसे समझाया जाए, आप बताइए कोई तरीका, अगर आपके पास हो तो कोई बताइए, वही तरीका अपनाया जाए। अगर तरीका आप ये बता रहे हैं कि इसमें चारों तरफ से बाड़ लगा दें, लाइन लगा दें, तो वो जानवरों के लिए था, इंसान के लिए नहीं होता है। इंसान के लिए बुद्धि बहुत ज़्यादा होती है, बुद्धि ही उसका जब सबसे ज़्यादा होता है, बुद्धि सबसे ज़्यादा काम करेगी। यहाँ हमें क्या करना चाहिए, विचार, विचार और बुद्धि जब काम करेगी तो फिर कुछ कहना नहीं पड़ेगा। जानवरों के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि जानवर हैं, वो जानते नहीं हैं इसलिए जानवर कहा जाता है, जो जानते हैं उनको इंसान कहा जाता है। इंसान कहने के लिए, इंसान कहलाने के लिए इंसान का काम करना होगा। आपसे यही गुजारिश है आज की वीडियो में कि जितने लोग खेत में टॉयलेट कर रहे हैं, शौचालय कर रहे हैं, शौचालय उनके घर नहीं है कोई बात नहीं है, जो गरीब लोग हैं ठीक है, गरीब के घर में शौचालय नहीं होता है, पर फिर भी इतना तो ध्यान दिमाग में रखना चाहिए कि हमें दूर ऐसे जगह जाना चाहिए जहाँ पर मैदान हो, मैदान में खुला स्थान हो, शौचालय वहीं जाना चाहिए। ऐसे जगह नहीं जाना जहाँ पर खेत में जुता बोदा हुआ हो, किसान या मजदूर जो भी होता है वो उसको अच्छा नहीं लगता, आप ही को अच्छा लगेगा। अगर आप कपड़ा अच्छा पहने हों और आपके पास कोई धूल फेंक दे, गंदा कर दे, कैसा लगेगा? तो वैसे ही जिसका खेत है उसको भी नुकसान होता है, उसको भी बुरा लगता है, क्यों? सही बात है, है ना? सही है। आप भी बताइए, अगर आपके खेत में ऐसा कोई कर रहा हो तो कुछ बताइएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपका खेत है और आप किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं, उस जगह का नाम ज़रूर बताइएगा, हमें पता लगेगा कि आप हमारी वीडियो देखे हैं और क्या मैंने सही बताया कि या गलत बताया है, कमेंट में बताइएगा ज़रूर। चलिए कोई बात नहीं है, हम आते रहेंगे रोज़ाना खेत में और खेत का दर्शन करते रहेंगे। चलता हूँ घर पे। ओ बरसात तो होने ही लगी, खेत में गया, दिमाग खराब हो गया, जल्दी से भाग के चला गया घर पे। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, जिससे यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, अधिक से अधिक लोग जान सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, सबक है।